हो जाइए तैयार और दो मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार के लिए पिछले 3 साल बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब वो इस साल अपनी नई फिल्म के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनकी नई फिल्म खेल खेल में का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर की बात करें तो इसमें कुछ फ्रेंड्स की कहानी दिखाई गई है जो पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। जब पार्टी के लिए सारे मिल जाते हैं तो सारी लड़कियां मिलकर एक गेम खेलने का प्लान बनाती हैं, जिसमें सभी को अपने फोन अनलॉक करने होंगे और टेबल पर रखने होंगे। इस गेम की खासियत ये है कि अगर किसी का भी फोन या मैसेज आता है तो उसे सबके सामने उठाना पड़ेगा और सबके सामने मैसेज को पढ़ना पड़ेगा। सारे लड़के तब फंस जाते हैं जब शुरू होता है उनका पर्सनल कॉल आना और पर्सनल मैसेजेस आना। उसके बाद जो उनकी पर्सनल लाइफ में धूचाल आता है उसको देखने के लिए आपको फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ फिल्म खेल खेल में इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का रीमेक भी बताया जा रहा है। अब बात करें बिग बॉस OTT 3 की तो आपको बता दें कि भाई फाइनली हमें हमारे रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 का विजेता मिल गया है। एक्ट्रेस सना मकबूल बिग बॉस OTT 3 की विजेता बन चुकी हैं। जी हाँ, बिग बॉस OTT 3 की चमचमाती ट्रॉफी सना मकबूल ने बड़े शानदार तरीके से अपने नाम कर ली है। वहीं रैपर नेजी शो का पहला रनर अप रहा है। अब बात करें अगली फिल्म यानी औरों में कहां दम था की तो आपको बता दें अजय देवगन और तब्बू फिर से एक बार एक साथ इस फिल्म में नजर आए हैं। उनकी ये फिल्म 2 अगस्त 2024 यानी कल रिलीज हो गई है। कहानी मुंबई की है। शुरुआत में वसुधा अपने प्रेमी कृष्णा से पूछती है कि हमें कोई अलग तो नहीं करेगा। वहीं से आभास हो जाता है कि इनका अलग होना तो तय है। वहीं से कहानी शुरू होती है प्रेजेंट की। कृष्णा पिछले 22 साल से जेल में सजा काट रहा है। अच्छे चाल चलन की वजह से उसकी बाकी की सजा माफ हो जाती है। उसकी रिहाई का पता चलने पर वसुधा भी उससे मिलने आती है और मिलने के बाद पुरानी यादों के साथ एक दबा हुआ राज भी सामने आता है। हालांकि आपको बता दे कि औरों में कहां दम था कि कमजोर लेखन की वजह से ये फिल्म मात खाते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करें सीरीज की तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने IC 814 द कांधार हाईजैक का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये एक थ्रिलर ड्रामा है जो 1999 के समय हुए प्लेन हाईजैक की घटना पर आधारित है। इस दौरान 188 यात्री 7 दिनों तक प्लेन में फंसे रहे थे। इसी के साथ आपको बता दे सीरीज 29 अगस्त को रिलीज होगी। विजय वर्मा इसमें पायलट के किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कुछ है कहना ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड टशन के साथ।